जिले की 6 नगर पालिकाओं में 11 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। नामांकन प्रक्रिया के बाद आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। इसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिर कौन चुनावी मैदान में है और कौन नहीं। वहीं तिजारा नगर पालिका की बात करें तो यहां भी चुनावी माहौल पूरे अपने चरम पर है। यहां पर वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी रामेश्वर सैनी द्वारा कार्यालय खोला गया, जिसमें पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने फीता काटकर शुभारंभ किया। विधायक सिंह यादव ने कहा कि भाजपा के शासन काल में क्षेत्र में काफी विकास कार्य कराए गए और इन्हीं विकास कार्यों को देखते हुए जनता उन्हें फिर सहयोग करेगी और बोर्ड भी भाजपा का बनेगा। प्रत्याशी रामेश्वर सैनी ने कहा कि पूर्व में पालिका अध्यक्ष उर्मिला रामेश्वर सैनी थी। इस दौरान तिजारा कस्बे में चहुमुखी विकास कराया गया और इस बार भी फिर जनता का मन जीतेंगे और विकास का काम करेंगे। इस अवसर पर हरिकृष्ण सैनी, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन संदीप दायमा, शहर अध्यक्ष भाजपा मंडल बने सिंह विदुरी और अनिल बंसल और भूम सिंह आदि मौजूद है। अगर इस पंचवर्षीय योजना के अंदर वार्डवासी अगर मुझे मौका देगा और तिजारा की जनता मुझे अगर दोबारा विश्वास करेगी तो निश्चित ही जो अब जो विकास की गंगा जिस तरह से विकास के रथ पर तिजारा चल रहा है इसको आगे बढ़ाएंगे। जो बचा हुआ काम जो तिजारा का है वो हमारी प्राथमिकता होगी।